लिटिल शॉर्ट्स आरजे शीतल के साथ। सुभाष और मीनल ने अपने घर को दियों और इलेक्ट्रॉनिक लाइट से रोशन कर रखा था। इस साल की दिवाली उन दोनों के लिए स्पेशल थी। उनका बेटा जो कनाडा में पढ़ाई कर रहा है, वो इस साल उनके साथ दिवाली मना रहा था। अब दिवाली की रात थी तो मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था और हर मेहमान का स्वागत फ्रूट जूस, महंगी मिठाइयों और ड्राई फ्रूट के साथ किया जा रहा था। लेकिन फिर एक मेहमान को देखकर जैसे मीनल के चेहरे की मुस्कुराहट होंठों तक आते आते रुक गई। ये सुभाष की बहन शीला थी, जो अपनी बेटी के साथ एक छोटा सा स्टील का डिब्बा लेकर अपने भाई और भाभी को हैप्पी दिवाली विश करने आई थी। शीला के पति बीमार रहते हैं और शीला एक प्राइवेट ऑफिस में जॉब करती है। मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद सुभाष कोशिश करता है कि अपनी बहन शीला की मदद कर सके फाइनेंशियल तौर पर, लेकिन ये बात उसकी पत्नी मीनल को बिल्कुल भी गवारा नहीं। इसलिए वो शीला को पसंद नहीं करती है और सोचती है कि हमारे स्टेटस के साथ उसका कोई मेल ही नहीं है। लेकिन सुभाष कुछ नहीं कर पाता। उस दिन भी शीला और उसकी बेटी का स्वागत महज पानी और बिस्किट्स के साथ किया गया। बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी वो सुभाष के मेहमानों के साथ, और किसी ने उसे कंफर्टेबल करवाने की कोशिश भी नहीं की। सुभाष देख रहा था कि कैसे उसकी बहन शीला की 14 साल की बेटी कभी सुभाष के घर की चकाचौंध को और कभी उसके मेहमानों के कपड़ों की चमक को देख रही थी, जैसे सोच रही हो कितना फर्क है इनकी दिवाली में और हमारी दिवाली में। कुछ ही देर में शीला और उसकी बेटी वहां से चले गए। किसी ने नोटिस तक नहीं किया। सुभाष गया था उन्हें रोकने के लिए, लेकिन जब तक गेट तक पहुंचा वो दोनों जा चुके थे। सुभाष के मेहमान, उसकी पत्नी मीनल, उसका बेटा बुला रहे थे उसे बार बार, आओ ना यहाँ बैठो हमारे साथ, क्या कर रहे हो तुम, कहाँ घूम रहे हो। लेकिन सुभाष अपनी बहन का लाया हुआ स्टील का डिब्बा लेकर छत पे चला गया, अपनी बहन के हाथों के बने लड्डू खाने लगा। शीला जा चुकी थी, लेकिन उसकी नजरें जैसे अभी भी सुभाष को देख रही थी और कह रही थी कि भैया आपसे प्यार तो बहुत है, लेकिन शायद आपके साथ मेल जोल करने की हमारी हैसियत नहीं है और आपके घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। ये स्टेटस और बनावटी चीजें भाई बहन के रिश्ते में कब से आ गई, ये सोच रहा था सुभाष, परेशान हो रहा था, दुखी हो रहा था। और फिर ये सोचते हुए ये ठानकर घर से निकल गया अपनी बहन के घर के लिए कि इस साल की दिवाली सच्चे प्यार, सच्चे रिश्ते और सच्चे भाव के साथ मनाएगा, बनावटी चीजों और झूठी चकाचौंध के साथ नहीं। हैप्पी दिवाली।